हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं एसी चैप्टर के ग्राफ। अल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर है, हमें एक चीज याद रखनी है कि इस चैप्टर में हम बात करते हैं तो रेजिस्टेंस की, जिसको आर से शो करते हैं, मैं ऊपर लिख देता हूं आर। देन हम बात करते हैं इंडक्टर की, ये ऐसा स्प्रिंग जैसा होता है, एल से इसको बताते हैं। और एक बात करते हैं हम कैपेसिटर की, ये हुआ कैपेसिटर जिसको सी से बताया जाता है ऐसा। तो यहां पे आप ये ध्यान रखना कि रेजिस्टेंस हम बचपन से पढ़ते आए हैं। रेजिस्टेंस मतलब करंट के फ्लो में अपोज करना, और ऐसे ही जब इंडक्टर लगेगा तो ये भी करंट के फ्लो में अपोज करेगा, और कैपेसिटर लगाया जाता है तब भी ये करंट के फ्लो में अपोज करता है। इन दोनों के अपोज को कुछ अलग नाम से बोला जाता है, क्योंकि अगर मैं रेजिस्टेंस बोलूंगा कि ये भी रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है, ये भी रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है, तो आपको कैसे पता लगेगा? तो इसके रेजिस्टेंस को तो रेजिस्टेंस ही बोला जाता है, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला जाता है, और इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला जाता है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है उसको आर से ही शो करते हैं, इसका रेजिस्टेंस आर से ही बताया जाता है। लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस है जिसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, एक्स एल से बताया जाता है, और इसका जो रेजिस्टेंस है जिसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, उसको एक्स सी से बताया जाता है। एक्स एल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा एल, और एक्स सी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/ओमेगा सी। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई f, ओमेगा की जगह लिखा एल, और एक्स सी इक्वल्स टू 1/2 पाई f c। यहां ऐसा कोई चक्कर नहीं है, इसका मतलब आप समझ रहे हो। जैसे जैसे सर्किट में फ्रीक्वेंसी चेंज होगी वैसे वैसे एक्सएल और एक्स सी की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन आर की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो इन्हीं पे बेस्ड जो है क्वेश्चन आ जाते हैं वहां पर, कि बताओ एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा, एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज, एक्ससी वर्सेस फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा, और रेजिस्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा। तो मैं तीनों के ग्राफ आपको बताता हूं। यहां पर ये जो ग्राफ है ये है रेजिस्टेंस के लिए, मतलब रेजिस्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये ऐसा बनेगा सीधा, मतलब रेजिस्टेंस जो है फ्रीक्वेंसी या रेजिस्टेंस जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड ही नहीं करेगा। ये फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो आ रही है एसी की वजह से आ रही है, एसी करंट ऐसे चलती है, चेंज होती हुई, इस वजह से आ रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ये इंडक्टर के लिए, अगर मैं बात करूं एक्सएल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, क्योंकि यहां पर आप देखो कैसा हो रहा है, अगर मैं बात करूं एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो एक्सएल जो है प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एक्सएल बढ़ता चला जाएगा, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, कई बार अच्छी बात भी है, चोक कॉइल के टर्म्स में अच्छी बात है। तो मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सएल बढ़ेगा, मतलब अगर इंडक्टर में से एक ऐसी करंट फ्लो करा रहे हो जिसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है इंडक्टर का वो वेरिएबल होगा, और वो ज्यादा रिएक्टेंस पैदा करता हुआ जाएगा। और इसीलिए एक इंडक्टर जो है डीसी को मतलब डायरेक्ट करंट को जिसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होती है उसको जीरो रिएक्टेंस देगा, और वही हाई फ्रीक्वेंसी करंट को बहुत ज्यादा रिएक्टेंस ये देगा। अगर मैं बात करूं इसकी कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर में क्या हो रहा है कि एक्स सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, मतलब अगर ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस एक्स सी यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का ग्राफ है, तो ये ऐसा बनेगा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रिएक्टेंस कम होता जाएगा कैपेसिटर का, और इसलिए कैपेसिटर में से एसी आसानी से निकल जाती है जबकि इंडक्टर में से डीसी आसानी से निकलती है, इसको कोई चक्कर नहीं पड़ता। अब यहां पर देखो आपको दो ग्राफ दिए हुए हैं, अपोजिशन टू द करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, देन अपोजिशन टू द करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ग्राफ ए एंड ग्राफ बी। आपसे पूछा जाएगा बताओ कौन सा एलिमेंट है, इसको क्या एलिमेंट बोलोगे, इसको क्या एलिमेंट बोलोगे। तो जब सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस लगाओ, प्योर रेजिस्टिव सर्किट जब हो, तभी ऐसा होगा कि फ्रीक्वेंसी चेंज होने में वो अपोजिशन टू द करंट, मतलब करंट को जो वो रुकावट पैदा कर रहा था वो जितनी कर रहा था उतनी करता रहेगा। तो ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, जबकि यहां देखो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है रुकावट कम कर रहा है, और ये कुछ इसकी तरह है, ये एक कैपेसिटिव सर्किट है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ फॉर एन एसी सर्किट। उसमें पहला होगा, मतलब कोई एसी सर्किट है जिसमें आपको करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है, पहला किसके लिए होगा, मान लो फॉर रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट के लिए। तो हमें पता है कि रेजिस्टिव सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस होता है,
और रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी से चेंज नहीं होता, वो जितना रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है उतना ही करता रहेगा। तो मतलब जितनी करंट पहले फ्लो हो रही थी उतनी फ्लो होती रहेगी, चाहे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ या घटाओ। मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज होने पे करंट की वैल्यू जो है, इनिशियल करंट जो सर्किट में फ्लो हो रही थी उतनी ही फ्लो होती रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। सेकेंड, अगर मैं बात करूं फॉर इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट की अगर मैं बात करूं तो इंडक्टर के लिए जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ओमेगा बढ़ेगा, एक्सएल बढ़ेगा और मतलब रेजिस्टेंस करना पड़ेगा। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी ये है और मान लो इनिशियल करंट आई आई फ्लो हो रही थी, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगेगी करंट जो है ये एक्सएल जो है बढ़ने लगेगा और वो करंट को क्या कर देगा, कम कर देगा या बढ़ा देगा, करंट को क्या कर देगा, वो कम कर देगा, इस टाइप से कुछ। उसके बाद अगर मैं बात करूं फॉर थर्ड फॉर कैपेसिटिव सर्किट, अगर इसकी बात करूं, अच्छा ये कर्व अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूं। आई जो होगी इंडक्टिव सर्किट के लिए वो होगा वी आर एम एस अपॉन एक्स एल, इंडक्टिव सर्किट है, एक्सएल मतलब वी आर एम एस अपॉन ओमेगा एल, ठीक है। तो आई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, ओमेगा, और या आई प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई। तो ये आई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एफ का ग्राफ बना है, जबकि यहां पर I इज इक्वल टू क्या था, वी आर एम एस अपॉन रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता इसलिए सीधा चलेगा। इसकी बात करूं कैपेसिटी वाले की तो I इक्वल्स टू वी आर एम एस अपॉन एक्स सी, यानी कि वी आर एम एस अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा सी ऊपर जाएगा तो I इज इक्वल टू वी आर एम एस ओमेगा सी हो जाएगा, यानी कि I प्रोपोर्शनल टू ओमेगा हो जाएगा। इस टाइप का कुछ ग्राफ बनेगा I वर्सेस ओमेगा का, या फ्रीक्वेंसी भी मैं बोल सकता हूं, फ्रीक्वेंसी लिखते आ रहे तो फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं कि मान लो इनिशियल करंट यहां फ्लो हो रही थी आई आई, तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी या ओमेगा बढ़ाने लगोगे वैसे वैसे वो लीनियरली इंक्रीज होने लगेगी। तो यही ग्राफ थे ईएमआई सॉरी एसी चैप्टर के, मिक्सिंग हो रही बहुत सारी, तो इसके बाद ईएमआई का भी है, इस वजह से ईएमआई बोल गया था मैं। तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को ताकि आपको अपडेट मिलते रहे, और लगे रहिए, अच्छा होगा आपका एग्जाम, बहुत अच्छा होगा, और मिलता हूं आपसे, बाय बाय।